दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए नॉर्थ इंडिया की मशहूर सेव यानी नमकीन की सब्जी लाई हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रा नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही वहीं पर दिए गए बेल बटन को भी दबाएं ताकि मेरे सारे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, आधा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 मिनट तक हमने सॉटे कर लिया है। अब हम इस पर डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटा प्याज। प्याज डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें हम हल्का सा नमक डाल देंगे, इसको मिक्स करें और अब हम अच्छे प्याज को अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैं ले रही हूँ हरा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो गरम मसाला 1/4 चम्मच काफ़ी है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कम से कम 2 मिनट के लिए हम इसे सॉटे करेंगे। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी टमाटो प्यूरे, 1/4 कटोरी। अब हमारे टमाटर जब तक अच्छे से फ्राई नहीं हो जाए हमें इसे पकाना है। 2 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ देंगे। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, आप देख सकते हैं कि पूरा चारों तरफ से जो है तेल निकल रहा है, तो उसका मतलब है हमारे टमाटर भी फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बेसन पाउडर डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही, ज़्यादा डालने से ज़्यादा थिक हो जाएगा तो ज़्यादा गाढ़ा हमें चाहिए नहीं। यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर दें, 1 मिनट के लिए सॉटे करें। इसमें हम डालेंगे अब 1/2 कटोरी पानी। ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारी सेव। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात यह है कि जो सेव है वो मैं रतलामी सेव या कोई भी मोटी सेव, देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, मोटी सेव मैंने यूज की है। आप कोई भी मोटी नमकीन है या रतलामी नमकीन है, हम इसे यूज कर सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान और रखिए कि सेव को हम तभी डालना है जब अगर हम इमीडिएटली उसे सर्व करने वाले हैं, नहीं तो सेव फिर पिघल जाएगी, जो हमारी ग्रेवी उसमें पिघल के मिक्स मेल्ट हो जाएगी। इसको हम इसे मिक्स कर देंगे। हमारी टेस्टी सेव की सब्जी तैयार है। गरम गरम आप इसे चपाती नान किसी के साथ भी परोस के खा सकते हैं।